दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK Oltech पे। अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यू भाई लोग हैं, और Facebook पेज पे हैं तो भाई फॉलो करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पसंद लगे, अच्छा लगे, आपके लिए अगर नॉलेजफुल हो तो वीडियो को शेयर करें दूसरे भाई लोग के पास भी जो पहुँचे, और उन लोग भाई लोग के पास भी अगर जाए तो उन लोग भी शेयर करें, क्योंकि अगर नॉलेजफुल रहेगा मेरे वीडियो तो, अगर नॉलेजफुल नहीं रहेगा भाई तो वीडियो को शेयर ना करें, डिसलाइक करें बिल्कुल, मेरे तरफ़ से यही रिक्वेस्ट रहेगा। तो इसमें आज हम बीमारी एक बताते हैं, ड्राइवर साहब का कंप्लेन यही है, सिग्ना 49-27 है BS4। अब बहुत सा भाई लोग बोलते हैं सिग्ना सब BS4, कोई कोई सिग्ना मॉडल का बनाया है उसमें BS3 भी इंजन डला है, तो ये BS4 है देख सकते हैं आप। और इसमें समस्या ये है कि गाड़ी, ड्राइवर साहब का कंप्लेन है कि चलते चलते ये जो टेम्परेचर वाला काटा है ये बिल्कुल हाई पे चल जाता है और सीटी मारने लगता है। तो समस्या यही है, इसका वायरिंग तो अगर जब ड्राइवर बोलता है ना कोई बात तो उस समय मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन को उसी समय अपना दिमाग रिवर्स करके और दौड़ा करके चेक कर लेना चाहिए कि ड्राइवर आखिर समस्या बता क्या रहा है, उस समय हैंग नहीं होना, उसके बाद अच्छी तरीके से समझना है। तो देखिए इनका कंप्लेन यही है कि जब कभी गड्ढा उड्ढा में ठोकर उकर में जब गाड़ी कूदती है तब जाकर ये टेम्परेचर वाला काटा ये हाई चल जाता है और सीटी मारने लगता है, फिर से छोड़ देता है। तो जाहिर से ये जानकारी पूरा डिटेल तो ड्राइवर साहब ही दे दिए कि इसका मतलब कहीं वायरिंग आपका टच कर रहा है, और टच करने के बाद जब कभी कभी टच करता है तब ये काटा बढ़ता है, और जब नहीं टच करता है तब अपनी जगह पे सही रहता है, यही कंप्लेन है। तो आगे रेडिएटर वगैरह तरफ चेक किए, क्योंकि ये गाड़ी का अपने हाथ से हम वायरिंग भी चेक किए हैं और चैनल पर वीडियो भी अपलोड है, सारा चीज़ वायरिंग भी किए हैं, टोटल A to Z काम किए हैं। तो मेरे पास ही दोबारा गाड़ियाँ उधर रेडिएटर के पास सबसे पहले चेक किए तो वहाँ कंप्लेन नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं मिला। जब इसका बोनट उठा करके हम चेक कर रहे हैं तो देखिए ये जो तार है ये तार हीट हो गया इंजन तरफ से आ करके, और यही कभी कभी टच कर जा रहा है, देखिए बढ़ गया, देखिए बढ़ रहा है, सड़ जा रहा है, सट गया यही का। अब देखिए यहाँ पे इसका टेम्परेचर वाला तार जो है जल करके यहाँ पे हीट हो जाता था, तभी ड्राइवर साहब का कंप्लेन था कि कभी कभी जब टच होता है ठोकर उकर में तब जा करके ये टेम्परेचर वाला काटा हाई होता है। तो अब हमको यही चेक करना है कि एक क्लिप बॉडी अर्थिंग करके यहाँ से उठता देखते हैं कि यही समस्या था, ऐसा ही प्रॉब्लम करता था, यही कभी कभी इधर उधर टच कर जाता होगा, तो इसमें क्लिप में लगा दिए हैं। अब चेक करते हैं इसका काटा उठ रहा है, काटा उठ रहा है, और प्रॉब्लम यहीं पे है क्योंकि हर जगह चेक कर लिए हैं हम, फिर भी कहीं सो प्रॉब्लम नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर जा कर के मिला है। तो इसको ये तार को अच्छी तरीके से सेफ्टी करना है, टेपिंग करना है, फ्लेक्सिबल करना है और इधर करना है। और हर एक बीमारी बोलता है जब तक हमको गौर से नहीं देखिएगा, अगर हमको गौर से देख लीजिएगा तो खुद ब खुद आपको मालूम चल जाएगा कि बीमारी कहाँ पर है। तो बीमारी ही खुद बोलता है कि गौर से देखिए बीमारी मिल जाएगा। तो भाई मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक जय।